दोस्तों अक्सर सब लोग सोचते हैं कपड़ों का बिजनेस करना कैसे शुरू किया जाए, कपड़ों का बिजनेस किस तरह से जो फायदा है वो हो सकता है, बिजनेस करने के जो आइडियाज हैं वो कहाँ से लाए और फिर ला करके अपनी खुद की जो शॉप ओपन करें तो उसमें जो फायदा है वो कैसे कमाएं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया हर जगह पर एक बहुत ही ज्यादा एक ब्रांड जो है वो वायरल हो रहा है, नाम है अजमेरा फैशन। हमने भी सुना, बहुत बार देखा जब अजमेरा फैशन की कहानी पढ़ी कि क्या है ये ब्रांड अजमेरा फैशन, कहाँ पर है ये और आखिर इसका जो काम है वो किस तरह का है और क्या है। तो हम चल पड़े सूरत सिटी की ओर, क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल सिटी है सूरत और अजमेरा फैशन जो है वो भी सूरत सिटी के अंदर है। जब हम यहाँ पर आए हमने देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग जो अजमेरा फैशन की है, तो सोचा वायरल होना तो जायज़ है क्योंकि यहाँ पर इतनी मात्रा में इतने सारे जो कपड़े हैं, अलग अलग जो कपड़े हैं, साड़ी से लेकर के हर छोटे से बड़े जो कपड़े हैं वो अजमेरा फैशन में मिलते हैं। ये बात हमें पता चली कैसे, जब हमने यहाँ पर आकर के अजमेरा फैशन को देखा, फिर ये बात पता चली कि बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए अजमेरा फैशन जो है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मारवाड़ के क्षेत्र में अक्सर लोग जो है जो कपड़ों का बिजनेस है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बिजनेस से मारवाड़ी जो होते हैं वो थोड़े बिजनेस की तरफ उनका रुझान भी ज़्यादा होता है। लेकिन एक आइडिया भी तो चाहिए ना कि कपड़ों का ये जो बिजनेस है सम्मान भरी सुंदरता के लिए कैसे शुरू करें। तो बिल्कुल इस वक्त हम आ गए हैं अजमेरा फैशन सम्मान भरी सुंदरता सूरत में और हमारे साथ ये शख्सियत ऐसे जो है शेखावटी से बिलोंग करते हैं सर अजय जी, अजमेरा इनका शुभ नाम है, और जो ये अजमेरा फैशन सारा स्थापित किया है इन्हीं के जो कर कमल जो है इसी से हुआ है। तो सर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि कैसे ये पूरा स्थापित किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो सूरत में है और फेमस तो पूरे इंडिया में है, कितनी फ्रेंचाइजी इंडिया में है और किस तरह से लोगों को बिजनेस का आइडिया देते हैं लोगों को। साथ ही मैं एक चीज बता दूं विशेषता कि खास करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अजमेरा फैशन जो है वो महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज देता है, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। जो महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, खुद की दुकान खोलना चाहती है, विशेषकर उनके लिए अजमेरा फैशन का योगदान रहा है। नमस्कार अजय जी। नमस्ते। बिल्कुल, इतनी बड़ी बिल्डिंग अजमेरा फैशन की स्थापित कर दी, कहाँ से आइडिया आया ये कपड़ों का बिजनेस करने का? कपड़ों का बिजनेस करने का आइडिया तो एक्चुअली मैं तो नौकरी करता था। हाँ। पढ़ाई कंप्लीट हुई तो घर वालों ने भेज दिया कि जाओ कुछ काम दाम करो। गुजरात? हाँ गुजरात। हाँ। बड़े भैया यहाँ रहते थे तो आगे फिर गुजरात में सूरत में, सूरत में आगे यहाँ से फिर नौकरी करी। पहले मैंने 20 साल तक लगभग यहाँ पे और 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। 2011 में लगभग आज 13-14 साल हो गए हैं और बाकी आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल 13-14 साल हो गए हैं अजमेरा फैशन सूरत में है और कपड़ों की सूरत भी देख ली जाए कि किस तरह के कपड़े जो है आपके यहाँ मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा सर ये साड़ीज हैं? हाँ साड़ीज भी हैं, सभी तरीके के कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक मैं बता देना चाहता हूँ कि सूरत में जैसा आप अजमेरा देख रहे हैं ऐसे 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे। अच्छा। 50,000। अगर सूरत को टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया ही नहीं, आप टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी अगर बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो इनमें से अजमेरा अलग क्यों है, अजमेरा में क्या खास है, क्या खास है वो मैं बताना चाहता हूँ कि अजमेरा फैशन सपोर्ट करता है एक रिटेलर को भी, एक छोटे रिटेलर को भी जो 50,000, 25,000 या लाख रुपए लगा करके अपना या तो बिजनेस करना चाहता है नया, या फिर ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है लेकिन अपने ही शहर में किसी होलसेलर से खरीदता है 15%, 20% या 25% कितना ऊपर देके खरीदता है वो उसको पता नहीं, तो उनको भी सपोर्ट करता है, उनको भी उसी रेट में प्राइस कपड़ा देता है जिस रेट में जिस प्राइस के अंदर एक होलसेलर और डीलर को दिया जाता है। बिल्कुल अजय जी, एक सवाल दिमाग में रहता है बिजनेस जो करेगा, अक्सर बहुत सारे सवाल रहते हैं, सबसे पहले रहता है कि कितना एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से कपड़े ले जाने के लिए कितने जो पैसे है वो कम से कम देने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या ज्यादा अमाउंट होता है, ये एक शर्त होती है कंपनी की कि इतने अमाउंट का तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपके यहाँ क्या अमाउंट है? किसी भी तरीके की कोई शर्त नहीं है, शर्त सिर्फ इतनी है
कि कपड़ा आपके यहाँ हम ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज सकें, इतना कपड़ा आपको खरीदना है। अगर मीडियम रेंज का कपड़ा आप खरीदते हैं तो 20-25,000-30,000 रुपए का कपड़ा आप ले जा सकते हैं। अच्छा, 25,000 से शुरू कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो आप दुकान नहीं कर सकते हैं उतनी अमाउंट के अंदर। उतनी अमाउंट में कोई लेडीज अगर चाहती है कि मैं घर पे छोटा सा रख लूं अमाउंट का कपड़ा, अच्छा, और वहां चलता से बेचूं अपने रिलेशन वाले को, अपने दोस्तों को, या फिर अपनी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको मैं कपड़ा बेचूं कि मैं सूरत से कपड़ा लेके आई हूं एक मैन्युफैक्चरर से, और आप आके देखें, एक रीजनेबल प्रॉफिट के अंदर 20-25% ऐड करके वो आराम से हमारे कपड़े को बेच सकती है, क्योंकि उसके खर्चे नहीं है। 20-25% भी बहुत मार्जिन होता है। 25,000 का यहाँ से ले जाएगी, वो बेचेगी, फिर दोबारा वो फिर से 25,000 का ले जा सकती है, फिर ले जा सकती है। तो उनके लिए अमाउंट जो आसान है कि ज्यादा देने नहीं पड़े और उनका बिजनेस भी हो जाए। इतना तो आजकल मोबाइल खरीद लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रेड कलर की साड़ी है। हाँ, ये रेड कलर की साड़ी है। साड़ीज बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अपन फर्स्ट डिपार्टमेंट जहाँ खड़े थे वहाँ पे साड़ीज थी, ओनली साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, जो सूरत का बेस है। अच्छा अजय जी, हमने एक बात सुनी थी आपकी यहाँ की साड़ी की जी, कि ये जो साड़ी है कुल 45 रुपए में मिलती है, क्या ये सच्चाई है? यकीन नहीं होता। हाँ, 45 रुपए में भी साड़ी आती है, पर 45 रुपए वाली साड़ी जो है वो डायरेक्ट पहनने के काम नहीं आती है। अच्छा, वो बुटीक वगैरह की जो महिलाएं होती हैं वो उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करती हैं। अच्छा, कोई लेस लगती है उसके ऊपर, कुछ बुटे लगते हैं। अच्छा, जो फॉल पिको होते हैं वो लगा के फिर बनती है। फॉल पिको तो अलग चीज होगी, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बोलते हैं बॉर्डर वगैरह, जो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके के, ये ऐसे बॉर्डर वगैरह उसके ऊपर लगते हैं, कुछ अलग तरीके का उसका फॉइल कर दिया है, कुछ अलग तरीके से उसको बना के बेचा जाता है। वो डायरेक्ट पहनने की साड़ी नहीं होती है 45 रुपए की। 99 रुपीज की साड़ी हमारे यहाँ। अच्छा, 99 की भी है? हाँ, 99 रुपीज की साड़ी जो आती है वो डायरेक्ट आप पहन सकते हैं। वो देने लेने के लिए काम में आती है, या डेली यूज के काम में आती है। 6-5 मीटर उसका कट होता है। अच्छा, और उसके बाद साड़ियों की बहुत सारी वेराइटीज। अच्छा, बिल्कुल, ये इतनी सारी जो सामने रंग बिरंगे जो कलरफुल साड़ीज और भी कपड़े दिख रहे हैं। हाँ, साड़ी के अलावा और क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, साड़ी के अलावा सब सारी चीजें। ये पार्टी वियर साड़ियां हैं। हाँ, आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी करी हुई कितनी खूबसूरत साड़ी है। हाँ, इस सिरोस की करी हुई साड़ी है। बहुत सारी रेंज है, ये देखिए, ये भी एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर दोनों चीज लगी हुई है। बिल्कुल, ये तो तैयार साड़ी है ना? बिल्कुल, ये पूरी तैयार साड़ी है, एकदम पहनने के काम आएंगी जी डायरेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, ये सिरोस की वर्क। तो डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। सबसे पहला जो मैंने आपको दिखाया वो प्रिंटेड साड़ी का डिपार्टमेंट था। उसके बाद जो डिपार्टमेंट मैंने दिखाया वो वैल्यू एडिशन किया हुआ था। उन्हीं प्रिंटेड साड़ियों के ऊपर वैल्यू एडिशन रहती है। बिल्कुल, आपके और भी जो इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं हम देख लेते हैं। सब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। हाँ, हर उसके ऊपर की डाइड मैचिंग साड़ी। अच्छा, ये प्लेन साड़ी, प्लेन पोथ के ऊपर वैल्यू एडिशन किया हुआ, वैल्यू एडिशन बोले तो वर्क। हाँ, सिरोस की वर्क, डायमंड वगैरह। हाँ, इस तरीके की पैकिंग आती है अलग अलग स्टाइल की। अच्छा, ये सारी पैकिंग करेगी। हाँ, जो भी कस्टमर खरीदेगा उसको ये पूरा ये सेट लेना पड़ेगा, ये पूरा। अच्छा, ये एक सेट ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक एक सिंगल सिंगल पीस करके ले लिया। तो अगर कोई महिला अपने आप को बिजनेस से जोड़ना चाहती है तो इस तरीके के एक पैकेट ये ले लिया, एक पैकेट दूसरा ले लिया, एक पैकेट ये ले लिया, एक पैकेट ये ले लिया, इस तरीके के 10 पैकेट लेती है वो, तो उसको एक रेंज पूरी की पूरी मिल जाती है लगभग 25-30 हजार रुपए के अंदर। हाँ, जिसमें उसको 70-80 साड़ी मिलती है, और वो भी अलग 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 डिजाइन की। अच्छा, तो उसके पास पूरी रेंज हो जाती है, उससे वो घर पे बिजनेस आराम से शुरुआत कर सकती है। अच्छा, बनारसी सिल्क साड़ी भी है आपके यहाँ पे? ये पूरी बनारसी साड़ियों का कलेक्शन है, हम देखना चाहेंगे। और राजपूती पोशाक भी है क्या? राजपूती पोशाक नहीं है अभी, लेकिन अब लगता है आप राजस्थान से हमें खोजते हुए आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान वाले तो आपके यहाँ से कपड़े ले जाएंगे तो वो जरूर ढूंढेंगे कि राजपूती पोशाक मिले उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, बनारसी साड़ी भी मैं दिखाऊंगा। ये ब्राइडल साड़ीज है। अच्छा, ये ब्राइडल साड़ी, ये दुल्हन की साड़ी जो आती है, ये वो साड़ी है, आप देख सकते हैं। दुल्हन के साथ पार्टी वियर साड़ियां, ये इस तरीके के कलेक्शन ये देख सकते हैं आप। ये सारा कलेक्शन भी आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ ये देखिए, इस तरीके की जो एक साड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग अगर 2,000 रुपए की कोई साड़ी यहाँ मिलती है तो वो ये समझ लीजिए आप, शोरूम के अंदर जाकर के उसकी कीमत
4,000, 4,500, 5,000, 7,000 रुपए। अच्छा, वो साड़ियाँ 2,000 में मिल जाती है। वो साड़ियाँ 2,000 में अच्छा, मिल जाती है। शोरूम में जस्ट डबल होकर के प्राइस मिलती है। हाँ। वो भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट बोले तो जैसे लहंगे वगैरह पे आप जाते हैं अगर, तो लहंगा वगैरह तो 5,000 वाला लहंगा यहाँ से जो जाता है वो 25,000-30,000 रुपए में भी बिकता है। बिल्कुल, हम लहंगे जो है वो भी देखने चाहेंगे कि ब्राइडल के जो है। ये अभी नेक्स्ट लहंगे का ही डिपार्टमेंट है, ये देखिए। हाँ। पूरा ये रंग बिरंगे कलर के लहंगे जो है। हाँ जी, यहाँ सब कुछ रंग बिरंगा ही दिखेगा मेरे। हाँ। अलावा आपको मैं ही एक व्हाइट में देता हूँ। अच्छा, बाकी सब कुछ यहाँ रंग बिरंगा है। लेकिन ये रंग बिरंगा सारा आपने ही सजाया है। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये दुल्हन के लहंगे भी आते हैं, ब्राइडल लहंगे भी आते हैं, गर्लिश लहंगे भी आते हैं, साइडर लहंगे भी आते हैं, हर तरीके की लहंगे की वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। जो आए जो उसको चाहे वो मिल सकता है। हाँ जी, कपड़े में बिल्कुल 600-650 रुपए से ही रेंज स्टार्ट होती है। लहंगा कहाँ से शुरू होता है बेटा अपना? 680 रुपए से। 680 रुपए से लहंगा स्टार्ट होता है। हाँ। और 30-35,000 रुपए तक का सिंगल पीस लहंगे की प्राइस में आपको बता रहा हूँ। अच्छा। प्राइस में आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा, अलग अलग कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पूरा डिपार्टमेंट लहंगे का डिपार्टमेंट है। ये लहंगे का आपने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे है ना? जी बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ये इतने सारे कपड़े जो आप देख रहे हो, अलग अलग जो डिपार्टमेंट साड़ी के है, साड़ी के भी बहुत सारे टाइप्स है, लहंगे भी, तो अफोर्डेबल जो प्राइस है उससे लेकर के जो हाई प्राइस तक सारे जो कपड़े है वो यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, हमने सुना है आपके यहाँ पर जो आप फ्रेंचाइजी है वो भी देते हैं, एक बार बता दीजिए किस तरीके से उनके रूल है, किस तरीके से देते हो, क्योंकि कोई लेना चाहे तो। बिल्कुल, फ्रेंचाइजी के बारे में भी मैं पूरी चीज बता देता हूँ। बनारसी साड़ी का आपने जिक्र किया था, ये देखिए ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, स्पेशली बनारस में अगर आप जाएंगे तो यही साड़ी हैंडलूम के ऊपर बनती है। हैंडलूम पे साड़ी जो बनती है, एक साड़ी को बनने में ये समझिए 30 दिन लगते हैं, उसकी डिजाइन के ऊपर डिपेंड रहता है। बिल्कुल। और यहाँ जो ये बनती है ये सब रेपियर मशीनों के ऊपर, हाई स्पीड मशीनों के ऊपर बनता है। एक दिन में 30 साड़ी बनती है। अच्छा, एक दिन में 30 बनारसी साड़ी बना देते हो आप एक मशीन के ऊपर। इसीलिए इनके प्राइस जो है इतने रिजनेबल रहते हैं। अच्छा, अब आप एक से एक साड़ी देखेंगे। भाई साहब बैठे हुए, देखिए कहाँ से हैं जी? जबलपुर से। जबलपुर, एमपी जबलपुर से आए हैं। जबलपुर, कटनी, सतना, शॉप है आपके वहाँ पे? हाँ, शॉप है वहाँ पे। कब से? कितना? 6 महीने स्टार्टिंग काम थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, अभी शुरू कर रहे हैं जबलपुर में, देखिए नया काम शुरू कर रहे हैं। आपको अजमेरा का कैसे पता लगा? ये तो YouTube द्वारा देखे थे हमने। देखिए जैसा काम आप कर रहे हैं वैसा ही काम ये लोग कर रहे हैं, ऐसा ही वीडियो देख के आप पहुंचे हैं यहाँ पे अजमेरा फैशन के अंदर और नई शॉप करना चाह रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं सूरत जी? पहली बार अजमेरा फैशन भी पहली बार ही आए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी अपनी दुकान के लिए लेने के लिए आए? जी, जी। अच्छा, अजमेरा फैशन के बारे में सुना तो दौड़ पड़े कि चलो सूरत चलते हैं। इतने सारे कपड़े देखे होंगे आपने, फिर कैसे कि इतने सारे भंडार पड़े हैं यहाँ तो है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपको, ईश्वर खूब तरक्की दे, ऐसी ऊपर वाले से दुआ है। बहुत अच्छे से आपकी दुकान चले, नई दुकान आप कर रहे हैं, खूब अच्छा कपड़ा लेके जाएं, खूब अच्छा कपड़ा बेचें, अच्छे से कस्टमर को सेटिस्फाइड करें, फिर वापस फटाफट आए आप। ठीक है, बिल्कुल, बस कपड़ा बिकना चाहिए सर, क्वालिटी ऐसी देंगे हम आपको। अजय जी, आपके यहाँ तो अब दूर दूर से लेने के लिए आ रहे कपड़े हैं। बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। हाँ। लोग जब उनको पता लगता है कि भाई अगर मैं अपने ही शहर में किसी से खरीदूंगा तो मेरे को कपड़ा महंगा पड़ेगा, और मैं सूरत जाता हूँ जो कि समंदर है इस कपड़े का, और वहां अगर कोई है रिजनेबल रेट में देने वाला मेरे को, चाहे मैं नया हूँ लेकिन मुझे ट्रीट करने वाला सही ढंग से हो, जिसके यहाँ किसी तरीके के रेट का कोई फर्क नहीं हो। एक डीलर को भी जबलपुर में, अगर जबलपुर साड़ी भंडार को जो जिस रेट में कपड़ा दिया जाता है उसी रेट में हमको भी दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, ये लेने तो आते हैं। हमने सुना है कि आप लोगों को फिर ये आइडिया भी मतलब बताते समझाते भी होगे आपको बिजनेस कैसे करना है। ये नए हैं, इनको आज तक कपड़े के बिजनेस का आइडिया नहीं है कुछ भी, ये फर्स्ट टाइम दुकान कर रहे हैं हमारे भरोसे, हमारा वीडियो देख के। तो बच्चे इस तरीके से ट्रेंड है कि भाई
आपके एरिया के अंदर जबलपुर के अंदर कौन सा टेस्ट बिकेगा, टेस्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, बिल्कुल है ना, तो उस वहां पे क्या टेस्ट बिकेगा वही चीज आपको दी जाएगी। अगर गलत चीज दे दी, साउथ में अलग बिकता है, राजस्थान में अलग बिकता है, एमपी में अलग बिकता है, अगर इधर दूसरी जगह आप छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो वहाँ अलग टेस्ट भी, बिल्कुल भारत की जो संस्कृति में अलग अलग कपड़े हैं और आपके यहाँ भी अलग 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 कपड़े, सारे राज्यों के लोग आके ले जाएं। साउथ वाला टेस्ट अगर मैं इनको दे दूंगा तो इनके यहाँ बिकेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज की जानकारी पूरी की पूरी इनको बताती है, बता दे की आपके यहाँ किस तरह के कपड़े आप लेके जाओ ताकि बिकेंगे और लोग पसंद भी करेंगे, बिल्कुल इनके एरिया के हिसाब, इनके एरिया के हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम और लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं जिस तरीके, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से अपने आप को जोड़ सकें। बिल्कुल सर, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो सूरत से काफी दूर होते हैं, अगर साउथ में बैठे कोई चाहे कि सूरत से सीधा ही कपड़ा उनके वहाँ आ जाए, हाँ। तो ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी है आपने? बिल्कुल, ये भी व्यवस्था है, आप अगर वहाँ बैठे भी मंगवाना चाहते हैं हाँ। तो भी मंगवा सकते हैं, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे नया अगर कर रहे हैं, जैसे सर से अभी मुलाकात हुई, नया आप बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो आप विजिट करें, यहाँ आए, देखें, सब कुछ समझे, उसके बाद फिर जैसा डिसीजन आपने लेना है वो ले। अच्छा, फिर मान लो वो बिजनेस करे और फिर की आगे यहाँ पे कि बार बार नहीं जाए, कपड़े खत्म हो गए, स्टॉक लाना पड़े, तो आप भिजवा देते हो? बिल्कुल जी, वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, नमस्ते जी, नमस्ते, कपड़े देखने आए हो, लेने आए हो? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, बिजनौर से आए हो, क्या बात है, सूरत आए। अजमेरा फैशन का नाम कैसे सुना फिर आपने? अजमेरा फैशन का तो यहाँ से वहाँ तक लगे पड़े हैं सब। अच्छा, सब लगे पड़े हैं। कल की जो वीडियो थी वो भी देख के आई। अच्छा, देख के आए हो कल की वीडियो, फिर क्या लगा आपको? यहाँ आके देखा होगा ना आपने इतने सारे कपड़े। मैंने कहा इनके जो बात करने का लहजा है वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कपड़ा अच्छा नहीं है इनका? कपड़ा भी अच्छा है, वो तो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर आता है कि उसका ऑनर कैसा है, बिल्कुल उसके बात करने का तरीका या कैसा मतलब व्यवहार है ग्राहकों के प्रति। आपको तो आप यहाँ से कपड़े ले जाएंगे? अब कपड़ा है तो कपड़ा ही, शॉप कर रहे हो वहाँ पे? तो क्या पसंद किया है आपकी? बहुत बढ़िया, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये अजमेरा फैशन देख के पहली बार सूरत आए हैं या हाँ। अजमेरा में पहली बार आए हैं? अजमेरा में भी पहली बार आए, सूरत में पहली बार, गुजरात ही पहली बार आए हैं। अरे बहुत, बिल्कुल अजय जी, आपके यहाँ और भी लोग विराजे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते, फिर वो कहाँ से आए हैं? ये सब तो अपने ही बच्चे हैं जो कस्टमर को कपड़ा दिखाया है, तो अभी वापस सरिया रहे हैं, आगे और काउंटर पे चलेंगे तो और भी कस्टमर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए, बिल्कुल फिर मैं मुलाकात करता हूँ। बिल्कुल, तो बहुत एक्चुअली बहुत ही बड़ा भंडार है यहाँ पर, आप देख ही रहे हो किस तरह से जो इतना बड़ा स्टॉक जो है वहाँ भी इन्होंने बना के रखा है। हम और भी सेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ और भी जो अलग अलग कपड़े हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सूट है, ये डिपार्टमेंट जो है ये लिखा हुआ रहता है, देखिए वेस्टर्न टॉप, वेस्टर्न टॉप का डिपार्टमेंट है इधर। हाँ। सूट का थ्री पीस सूट जो आते हैं अनस्टिच, जैसे आपने जो पहना हुआ है ये भी सूट ही आपने सिलवाया हुआ है ना, ये सूट है, ये थ्री पीस सूट जो आते हैं ये होते हैं इसके अंदर। ये पूरे डिपार्टमेंट में यही चीजें मिलने वाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बनाए हुए हैं। हाँ। अब आगे अपन जाएंगे तो वहाँ पे किड्स वियर आपको मिलने वाला। अच्छा बिल्कुल, हम वो भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े कपड़ों से लेकर के यहाँ पर इन्होंने छोटे बच्चों के कपड़े तक भर भर के रखे है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, जो ले जाने चाहे फिर वो तो सारी जो इनको अलग अलग क्वालिटीज है ना मिली जाएगी। बिल्कुल जी, देखिए ऐसा होता है कि किसी ने शॉप कर रखी है, साड़ी की दुकान की शॉप कर रखी है। हाँ। और वो किड्स वियर का भी रेंज रखना चाहता है तो यहाँ आकर के किड्स वियर की रेंज भी बहुत अच्छे से। बिल्कुल, ये बच्चों के कपड़े, बच्चों के कपड़े 14 रुपए से स्टार्ट होते हैं। 14 रुपए से? ओनली 14 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। लगभग कहाँ तक की रेंज मिल जाती है सर? 14 रुपए से लेकर के 2000 तक की, 2000 रुपए तक की रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। ये यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, ये इस तरीके के कुछ सैंपल्स हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं दिखाने को, तो अगर दिखाएं तो, लेकिन क्या है, एक समय की मर्यादा रहती है, वीडियो में हम जानकारी कितनी दे पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर आप जानकारी के लिए तो यहाँ पर इतना कुछ तो है कि हम पूरा घूमे तो शाम हो जाए, और इतनी कुछ है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर सही और सटीक जानकारी अजय जी ने बात करी, उस दौरान भी बताया कि कोई बिजनेस करना चाहे
यहाँ से अजमेरा फैशन से जो माल है वो ले जाना चाहे, चाहे फिर वो भारत के किसी भी क्षेत्र में हो और खासकर राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में हो, या सूरत में आके बातचीत करके इनसे मिलके इनकी टीम जो है वो भी उन्हें पूरी तरह से गाइड करती है, सर से भी मिल सकते हैं वो और सारे जो आइडिया है कि बिजनेस को किस तरह से करना है आइडिया ले सकते हैं, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा अमाउंट कोई नहीं दे सकता, तो 25,000 सर ने बताया जैसे कि अमाउंट देके कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो ले जाके घर बैठे जो बिजनेस है वो कर सकती है, चाहे फिर महिलाएं हो जो गृहिणी है वो अपना पार्ट टाइम जो जॉब है उस तरीके से कर सकती है। देखा हमने इतना बड़ा जो इन्होंने ब्रांड खोल के रखा है, तो बिल्कुल आप लोगों को भी अगर ये पसंद आए वीडियोज तो शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहत रखते हैं बिजनेस करने की, कुछ नया करने की, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर भी करिए। मैम बहुत सारे हैं, मैं ममता जी नाम बताया था आपने, हाँ बिल्कुल ममता जी, बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी बाकी हैं लेकिन क्या एक समय की मर्यादा रहती है। बिल्कुल वही सर, आपके डिपार्टमेंट में शाम हो जाएगी, हाँ नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कुछ भी अजमेरा फैशन के बारे में तो एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ रहेगा। आप प्रोडक्ट के रेट जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं, उसके साइजेस वगैरह, उसकी डिजाइन वगैरह, उसके कलर वगैरह कितने हैं, सब आपको फोन के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। सारी जानकारी हमारी टीम है पूरी जो बैठती है 50 लोगों की फोन अटेंड करने के लिए, वो आपको पूरी जानकारी देगी। लेकिन अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं इस कपड़े के बिजनेस से, जैसे कि आपने देखा अभी आए हुए थे, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, विजिट कीजिए कहीं भी, चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हो या सूरत में हो सकता है इतने सारे मैन्युफैक्चरर हैं, किसी और का भी आपने कोई वीडियो देखा हो या आपके मन में आ गया हो कुछ करने का, बिजनेस करने का, तो वहां जाएं, देखें, समझें और उसके बाद जैसा डिसीजन आपने लेना हो वो आप ले सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप एक ही है, फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए। फ्रेंचाइजी के लिए भी मैं एक नंबर अलग से दे दूंगा आपको, बिल्कुल सर, हाँ। उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। देखिए आप ही की तरह एक कस्टमर और शायद मन में ऐसा ही लेके, जैसा अभी आप सोच रहे हैं वहां बैठे हुए, शायद इन्होंने भी एक वीडियो कभी देखा होगा। हम पूछते हैं किस तरीके से आए हैं, कहाँ से हैं सर आप लोग? एमपी से। एमपी में कहाँ से? गोंडा। एमपी में गोंडा जिले से। एमपी में अभी अपन नीचे दूसरे कस्टमर से मिले थे, वो भी एमपी से ही थे। आप गोंडा जिले से हैं, कैसे आप यहाँ आए हैं? दुकान है आपकी वहाँ पे? इनका दुकान, फर्स्ट टाइम दुकान खोल रहे हैं, नया दुकान खोल रहे हैं। देखिए ये भी नया दुकान खोल रहे हैं, इन्होंने भी वीडियो देखा है और इनके मन में आ गई, वीडियो देख के आए अजमेरा फैशन के बारे में पहली बार पता लगा, पहली बार सूरत भी पहली बार आए हैं, सूरत में पहली बार, ये सब ऑलरेडी रहते हैं इधर। आप सूरत ही रहते हैं? अरे वाह, आपको अजमेरा फैशन के बारे में पता है? कुछ पता है, बराबर, तो आप इनको यहाँ लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटे से भैया हैं, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हुई नहीं क्या अभी? पढ़ाई थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गई है, अब बिजनेस करेंगे, बराबर। देखिए इतनी सी उम्र में इन्होंने बिजनेस करने का सोच लिया है वीडियो देख के, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ही संभालेंगे पूरा बिजनेस कि कोई घर में और भी साथ रहेगा? बाहर रहते हैं। कौन? मेरे जीजा है। अच्छा, वो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, बराबर है, बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, इतनी सी उम्र में आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सोचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। हम हमेशा साथ हैं, रावत जी आपके साथ रहेंगे। नंबर ले सकते हैं आप? ले लिया है कपड़ा की कुछ बाकी है रेंज वगैरह अभी देखना? कंप्लीट हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग सूरत में रहते हैं, आते रहा कीजिए, भैया को खरीदी हो तो ये इनको परेशानी ना होनी पड़े, आप आ जाएं और खरीद के भेज दें वहां पे, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामना। तो देखा बस ऐसे ही, अगर आप भी किसी तरीके से अपने आप को बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आइए हमें अशोक जी शेरा, जो आपने चैनल बना रखा है द खटक, भी आपने पेज बनाया हुआ है, उस माध्यम से आपने हमें हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम थोड़े में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय या बहुत सारी चीजें हम नहीं बता सकते हैं। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए और कमेंट करके कुछ भी जानकारी
आप कमेंट करके पूछने का प्रयास कीजिए, हम कमेंट पढ़ेंगे, हमारी टीम पढ़ेगी, वो आपको जवाब देगी। बिल्कुल, तो सर ने जैसे कि बताया नंबर जो है स्क्रीन पर है, आप सारी चीजें उनसे डिस्कस कर सकते हैं और जितने भी आपके डाउट्स हैं और भी आप क्लियर करना चाहो तो उन नंबर पे कॉल करके बात करके क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया।